जय माता की, जय हिंद, जय भारत। तो भाइयों, कई दिन हो गए थे जो आप लोगों के सामने आ नहीं पाए, और एक ही तरह के वीडियो डालते डालते हमें लग रहा था कुछ इसमें नवीनता आए, और कुछ लोगों की सोच थी या कहना था, फोन भी आए थे कि आप केवल एक ही तरह के वीडियो डाल रहे हैं, कुछ जो वहाँ के पंडोखर बाबा हैं उनकी भी आवाज़ में कुछ जानकारियां दिलवाएं, क्योंकि आप एक पक्षी डाल रहे हैं। तो हम उसको दो पक्षी करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और प्रकृति का सहयोग देखिए कि हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जैसे ही वीडियो डाल रहे थे तो पंडोखर बाबा को लगा कि इन लोगों को थोड़ा सा धमकाया जाए, और इन लोगों को बुला के इनके बातें करके वापस दूसरे स्टेटमेंट डलवाए जाए, जैसा लाल सिंह पटवा के समय पर इन्होंने किया था, उसका स्टेटमेंट बदलवा के डाला। फिर भी वो व्यक्ति ऐसा था, इसके बाद भी उसने हमें अगला स्टेटमेंट दे के उसका खंडन भी किया, जो आप लोगों ने देखा। और इन्हें भी लगा कि पहले तो हम आपको इनसे, इन्होंने जो बोला है, बात हुई है दिनेश जी से, लखनऊ के हैं, उसकी वीडियो आप देख चुके हैं, पहले तो आप वो वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि वो ऑडियो है, हम वीडियो के रूप में बना के डाल रहे हैं, उसे आप पहले सुनिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो जी, पंडोखर सरकार बोल रहा हूँ भैया। जी सर नमस्कार, गुरु जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार भैया, संजय सोनम जी के आपके रिकॉर्डिंग से नंबर प्राप्त हुआ है। बताए बेटा क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपके पास आया था। जी बेटा, आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने बताया था? जो हम बताए वही आप लिख दिए थे बस। अच्छा अच्छा, आप दोनों तरफ से सर जी कुछ नहीं बताए थे। जो आपने प्रश्न किया होगा वही तो उत्तर लिखूंगा भैया। सर जी प्रश्न करेंगे, लेकिन जैसे जो मैं बता दिया वही आपने उसको उसपे लिख दिया, आपने अपनी तरफ से मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा जी, तो अब इस वजह से बेटा हम कुछ कह नहीं सकते मेरे भाई जी। आप सामने आएंगे तो और प्रयास करेंगे। आप सर जैसे आप हमको जब भी आपकी इच्छा हो, कि नहीं होगी है कि नहीं सर, हम आप तो आपके सामने मानिए बहुत छोटी चीज है, है कि नहीं सर? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जब आपके पास समय हो तो आप हमें सर जब भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि दोपहर में आप शायद फोन मिलवाए नहीं, आपका रिसीव हुआ बता रहे हैं, तो मैं नहीं, आप अपनी अपनी बात बताइए, बात करिए बात करिए जी। सर सर कह रहे हैं हमारे बारे में बता दीजिए बस। आप पंडोखर धाम आइएगा, जो आज समझ आएगा बताया जाएगा। ये कोई विषय नहीं है जो आप विषय बोल रहे हैं। आपने कोई मन में क्या विषय रखा, क्या नहीं रखा, उसमें क्या स्थिति होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन क्यों नहीं बताया ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे सुन के लिखूं। हाँ प्रश्न आपने बोला होगा तो उत्तर जरूर मैंने लिखा होगा और बताया होगा मैंने उसमें कि आपको क्या पूछना चाहते हैं। सर जी जैसे आप जितना भी आपका दरबार देखते हैं, मतलब दिल से अपने बता रहे हैं, जितना भी आपका दरबार देखते हैं, जो भी देखते हैं, उसी से प्रेरित होकर गए कि चलते हैं गुरु जी से मिलेंगे बताएंगे कुछ। लेकिन जो भी पांच प्रश्न लिख के ले गए थे, उसमें से आपने जैसे पर्चे पर आप उतार देते हैं, पांचों प्रश्न आपको खुद पता चल जाता है, तो उसमें से एक भी प्रश्न आप नहीं लिखे। जो मैंने बताया दो प्रश्न आपको, वही आप जल्दी से उतार गए, वो भी गलत उतार गए, ये भी बता दे रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं उसी को यदि आप करेक्ट कर दें तब भी हमको लगेगा तो गुरु जी है कि नहीं। मैं 41,820 रुपए की रसीद कटवा के गया, और हमको मजबूरन, क्योंकि मैं गुरु जी अरेंज किया कहीं से पैसा, ईमानदारी पूर्वक आप बताया, क्योंकि आप क्या नाम है फोन कर रहे हैं? दिनेश। अच्छा दिनेश जी, शक्ति पत्र, मेरी वीडियो भी बनी हुई है अभी से बात। जैसे महाराज जी कहने लगे कि हो सकता है विरोधाभास में हमें फोन कर रहे हो या महाराज जी को गलत है, हमका मेरी अंदर से इच्छा नहीं, क्योंकि महाराज जी जब अंतर्यामी है तो खुद जान जाएंगे कि मैं गलत तरीके से कुछ नहीं, मेरा मतलब अंदर से मैं कुछ गलत नहीं। आप दरबार में उपस्थित हुई है और ये बात सबके सामने कहिएगा, हो सकता है कि दरबार में ही। तो महाराज जी कम से कम एक दो बातें तो मुझे बता दीजिए, इससे मुझे प्रसन्नता हो तभी तो। नहीं भैया, फोन में कुछ नहीं बताया जाएगा, आप सीताराम धाम में आइए। आपने सुना, पंडोखर बाबा खुद अपनी ही बातों में फंस रहे हैं, सामने वाले का उस समय जो बातें थी वही उसने दोहराई, और यह भी बताया कि आपने को जो हमने जानकारी गलत दी तो वही गलत जानकारी आपने उसमें लिख दिया। तो इसी से समझ लीजिए कि वो खुद देख पा रहे हैं या ये जो बता रहे हैं वो देख पा रहे हैं, ये निर्णय आप लोगों को करना है। और दिनेश जी ने एक बात कही थी कि मेरे कुछ प्रश्नों का ही आप जवाब दे दें तो हमें प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा पहले आप आ जाइए, वहाँ आइए, हम आपके जवाब देंगे। दिनेश जी का कहना था कि आप एक छोटे प्रश्न का जवाब दे दे तो मुझे संतुष्टि हो, तो फिर मैं आऊँ। और स्थिति ये निकली कि आपने उनकी आवाज़ सुन ली होगी कि रूखी आवाज़ में उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ आएंगे तभी बताएंगे।
तो फिर अगर आपको वहां आके ही बताना था तो फिर आपको बात करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। आपके लपेटे में नहीं सामने वाला आ रहा है तो आपको आपका मिजाज भी गर्म हो गया। इसी से लोग समझ सकते हैं कि अब उसमें मैं ज्यादा क्या कहूँ, ज्यादा कहने की तो स्थितियां हैं नहीं। फिर भी समाज को खुद निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है, और इस वार्ता को सुनने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या सचमुच में लोगों के काम हो पाएंगे या नहीं होंगे, या सोचना है। और एक प्रश्न चिन्ह जो दिनेश जी ने खड़ा कर दिया कि एक ही प्रश्न का जवाब दे दें तो आपका फोन, क्योंकि पंडोखर बाबा आपने खुद लगाया था दिनेश जी को, और दिनेश जी के एक प्रश्न का भी अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो बकाया आप समझ सकते हैं कि आपका, आपके द्वारा ये सारी बातें कहने से समाज में क्या मैसेज जा रहा है। और अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हम कह पा रहे हैं, पर जल्दी ही आपको कुछ और वीडियो के साथ हम जनता तक, हमारे भाइयों तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और कुछ नई जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।